चले लिखिए भाई, क्वेश्चन हो गए थे शायद हमारे, आई थिंक 62 हो गए थे, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और मैं थोड़ा सा, हाँ चले ठीक, अरे ऊपर नहीं डालने, ले अभी 63 क्वेश्चन देखिए भाई आप, 63 नंबर, पहले उर्दू वाले लिख लो, इंग्लिश वाले, ठीक है, और फिर हम हिंदी वालों को लिखवा देते हैं। इंग्लिश वाले लिखिए, द पॉपुलेशन ऑफ, आप क्वेश्चन लिखिए, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 210,105, 210,105, किसी शहर की जनसंख्या 210,105 है। शहर और नगर हो कुछ भी हो, आप उलझोगे नहीं इस चीज़ में कि सर आपने शहर लिखवा था, क्वेश्चन में नगर आ गया। किसी शहर की जनसंख्या 210,105 है, 210,105 है। 7/15 ऑफ देम आर मेल, 7/15 लोग पुरुष हैं, 7/15 लोग पुरुष है, एंड रेस्ट आर फीमेल, शेष महिलाएं हैं, रेस्ट आर फीमेल, शेष महिलाएं हैं। सिक्स बाई सेवन परसेंट मेल आर मैरिड, 42 6/7% मेल आर मैरिड, 42 6/7% पुरुष विवाहित है, 42 6/7% पुरुष विवाहित है। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत कितना होगा, बता दिए भाई, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे आप लोग, और इतने प्यारे बच्चे ना मैंने कहीं देखे हैं और ना मैं ही देखना चाहता हूँ। भाई वाह, बता दो, बहुत प्यारे बच्चों आप लोग, शाबाश भी, बहुत बच्चे जबरदस्त। देखो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, फिर आप दूसरा कर लेना, ठीक है, एक बार समझ लो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जितना आप लोग लगा रहे हो, ठीक है। इसने बोला है किसी शहर में दो प्रकार के जानवर रहते हैं, एक छोटा एक बड़ा, या कहते हैं पुरुष और महिलाएं रहती हैं, ठीक है, जिसमें 7/15 आर मेल, 15 में से 7 लोग मेल है, तो महिलाएं कितनी बची भाई, 8 बच गई। चलो, और टोटल की बात की जाए, आप लोगों से कोई बोले भैया टोटल कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, मैं आपका तरीका बता रहा हूँ, करना नहीं है तरीका, आपका तरीका तो आप एग्जाम में कैसे करते हो। और टोटल जनसंख्या दे रखी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी दे रखी है भाई, भाई वाह, देखो ये लड़के ने कितनी तेजी से बोला है, 210,105, ये किसकी वैल्यू है, 15 की वैल्यू है, तो आप क्या करते हो, 15 की वैल्यू 210,105 है, तो आप यहाँ से एक की वैल्यू निकालते हो, मुझे लगता है बड़े प्यारे बच्चों सब यही सोच रहे थे, 14,007, ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई, अगर मैं यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू निकालूँ तो शायद आप ऐसे निकालते 98,049, और 8 की वैल्यू निकालते तो शायद आप ऐसे निकालते 56,032,11, ठीक है। हाँ, अब पूछा गया इसमें 42 6/7% छोटे वाले जानवर मेल विवाहित है, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी, 3/7, यानी 7 में से 3 लोगों की शादी हो चुकी है, तो 7 की वैल्यू तो ये थी और 1 की वैल्यू ये थी, तो निकला नहीं किसकी वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से शायद ऐसे निकालोगे आप लोग, मैं इस बात को तो मिटा रहा हूँ यहाँ से, तो आप लोग कहोगे सर 14 से 42 0 21,
इतने आदमियों की शादी, अकबर का जमाना तो है नहीं कि एक के साथ 350 के साथ होगी, इतनी की शादी कितनी इतनी सी भी होगी, ठीक है? तो दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना होगा? और ये लोग शादीशुदा कितने में से है? गुणा, आप इसको काटोगे पीटोगे मोबाइल से गुणा करोगे कितना आंसर फेंकेगा? ये सब गधे करते हैं। आप कहेगा तूने भी तो किया है, नहीं तुम करोगे, जब कह रहा हूँ मेरे ऊपर लागू नहीं होता, एक्सेप्शन है, ठीक है बिटाएं, ये नहीं करना है, कैलकुलेशन से बचना आप लोगों को। अगर इसी क्वेश्चन में क्यों नहीं करने है तो ध्यान से सुनो, अगर एग्जाम ले लेता भाई किसी शहर की जनसंख्या, वो लिख देता कि 210,105 की 104 लिख देता, लिख देगा ना, तो क्या 15 से काट के देना? आप तो कहोगे सर आदमी पॉइंट में आ रहे, विकास की आधी मुंडी किसी और के लगा दी, उसके दो मुंडी लग गई, ठीक है? तो कटिंद्रा 15 से 105 आपने काटा, कैलकुलेशन बढ़ाई, गलती से एग्जाम दे दिया तो क्या कर लोगे एग्जाम का? कुछ बिगाड़ सकते हो? तो आप पॉपुलेशन को तो काउंट ही नहीं करोगे यहाँ पे। देखो 7/15 लोग मेल थे, तो मेल कितने थे 7, फीमेल कितनी थी? और कितने प्रतिशत आदमियों की शादी हुई है? इसका मतलब 7 में से 3 आदमियों की शादी किससे हुई होगी? तो टोटल लोग शादीशुदा कितने हो गए? और 6 लोग शादीशुदा कितने में से? गुणा 3 × 6 = 23, 15 = 20 गुणा, तो कितने परसेंट लोग शादीशुदा हो गए शहर के? खत्म इस सवाल को। बात समझ में आ गई? आ गए ना विकास? और लिख दे भैया, बात समझ में आनी चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? तभी विकास होगा, ठीक है? अब ये मत बोले मैं तो सर 25 साल पहले पैदा हुआ, तो वो डेवलपमेंट नहीं था, वो तो विकास ही हुआ है, ठीक है? ठीक है, सत्येंद्र कैलकुलेशन कर रहा था, है नालायक, तभी मैंने रोक दिया था, मैंने कहा रुक जाओ। पांडे जी भी शायद कैलकुलेशन कर रहे थे, बड़े वाले। क्योंकि लोगों का ध्यान हमेशा बड़े की तरफ ही जाता है। एक मान साइंटिस्ट हुए हैं, आप मुझे बताना वो कौन थे। साइंस में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने कुत्ता पाल रखा था, एक बिल्ली पाल रखी थी। तो सर्दी का मौसम आया तो किसी ने उनसे पूछा, यार कुत्ते बिल्ली को सर्दी लगती है, आप क्या कर रहे हो उनके लिए? बोला मैं मकान बनाता हूँ। तो उसने कमरा बनाया, दोनों साथ रहते थे, कुत्ते बिल्ली झगड़ते नहीं थे, पालतू थे दोनों। तो उसने घर बनाया सा इस टाइप का, और उस घर में 2 दरवाजे, एक इस साइड तो बड़ा दरवाज़ा लगा दिया और इस साइड छोटा दरवाज़ा लगा दिया। और किसी ने पूछा क्यों लगाया? बोला बिल्ली के लिए और ये कुत्ते के लिए। सही हुआ। तो सबसे पहले सोचो जिसमें से कुत्ता जाएगा उसमें से बिल्ली तो ऑटोमेटिक चली जाएगी, नहीं चली जाएगी? तो दूसरे की जरूरत क्या थी? बस नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ, साथ साथ रहते थे तो इसकी जरूरत क्या थी? नहीं तो ऐसी चीजें आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। वाक्य में था साइंटिस्ट था, और आप बताओ उन्हें बहुत नहीं बहुत मान आविष्कार भी किया उसने। आप उसको सोच के खोज के बताना, आप अगर बायोग्राफी पढ़ते हो किसी की, नहीं बहुत मान साइंटिस्ट है, उसको पढ़ के दो ना, बस घर जाओ खोजो उसने। चले आगे बढ़ते हैं। किसी नहर की जनसंख्या, बस किसी नहर की जनसंख्या, शहर की देर की नहर नहीं शहर की, 9,76,315 है, और 6/13 लोग पुरुष है। कितने पुरुष हैं? मेल 6/13 है और शेष महिलाएं हैं। शेष क्या है? फीमेल है। 16 से 2/3% पुरुषों की शादी हुई है, ये मैरिड है। तो बताओ परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन इन सिटी। शहर में विवाहित लोगों का
प्रतिशत कितना होगा? बिल्कुल पॉइंट में बताएं मैम, आप बताएं जी। बिल्कुल पॉइंट में है। ऐसे बता दो फ्रैक्शन में। बिल्कुल ठीक है, आ गया होगा सभी का। बताने की मुझे लगता है जरूरत है। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? अच्छा, बस आप यहीं से कर सकते हो। मेल 13 में से 6 है तो फीमेल कितनी? तो टोटल 13। और 16 से 2/3 का मतलब 1/6। 6 में से 1 की शादी हुई, 1 की शादी किससे? एक महिला से। ये फीमेल थी ना रेस्ट, तो दो लोग शादीशुदा, कितने में से? गुणा 100। तो 15 से ही कितना जाएगा? 5/13%। ये सवाल क्लियर है? एक क्वेश्चन और कराऊं, इस पे आगे चलो, करा दो एक और, आगे चलता हूँ। चलो विकास कर, आगे चलो, ये आंसर देगा इस क्वेश्चन का, लिख ले। नहीं इसका दे दे तू, मान जाएंगे तेरे को। शाबाश, बहुत प्यारा लड़का तू। ले, किसी शहर की जनसंख्या दे रखी लल्ला, कोई बात नहीं, जरूरत पड़ेगी। जनसंख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब गिन लेना कितनी है। ये जनसंख्या है 57 सी, 1/7% लोग मेल है। इतने तो मेल है, जितने बच गए वो सारी फीमेल है। 42 सी 6/7 बच गई, वो क्या है? फीमेल है। 20% मेल की शादी हो रखी है, तो परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन बताना है। शाबाश, बता भी लल्ला, बड़ा प्यारा लड़का है तू। मैं तेरी बहुत दूर दूर तक तारीफ करके आता हूँ। मैंने कह रहा है हमारे एक लड़का आता है बड़ा इंटेलिजेंट सा यार। वो भाई शाबाश, गलत आ रहा है। है ना 200/7। सत्येंद्र कर, आगे बढ़ो, कर लेंगे। 200/7 शाबाश, भी बताओ। एक सौ साठ बटे सात बिल्कुल ठीक है भाई, वाह, ऐसा बालक चाहिए मुझे। देखो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी भाई? 7। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना अब, ठीक है भाई। ये तो मेल है और यहाँ फीमेल लिख दिया हमने। 7 में से 4 आदमी मेल है तो महिला ही कितनी बची? क्योंकि भाई टोटल तो 7 दे रखा। और 20% की फ्रैक्शन आप मानते हो कितनी होती? यानी 5 में से 1 की शादी हुई है, लेकिन यहाँ तो आदमी तो 4 ही है, 5 तो नहीं है ना। क्वेश्चन तो पूछ सकता है फ्रैक्शन उल्टी देके। तो पहले इसको आप ऐसा कौन सा बना लो जहाँ 5 से कटने वाली संख्या हो जाए। तो मैंने सबको 5 से गुणा कर दिया, ये 20 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 35 हो गया। सबको 5 से गुणा कर दी। अब 20 का 1/5 निकालेंगे कितना होगा? और 4 आदमी की शादी किससे होगी? तो टोटल लोग शादीशुदा लोग कितने? और 8 लोगों की शादी हुई है भैया 35 में से, गुणा बस अपने हिसाब से काट लेना। 5 से काटो, 5 7 35, 20, 20 × 8
बोलो क्लियर है। चार से मल्टीप्लाई करके अच्छा 16 5 से कट जाएगा, 4 से करेगा। गधे के भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा। 4 से करेगा तो 4 गुणा 4 16, 16 का 1/5 तो पॉइंट में आएगा, और आज भी पॉइंट में तू ही कर सकता, हम तो कर नहीं सकते भाई। एक सांड की जगह विकास का सर लगा दे, आधा आदमी हो गया विकास, नालायक। आगे बढ़े और पॉपुलेशन पे कैसे कैसे टाइप की क्वेश्चन आते, एक तो इस टाइप से आते। आगे बढ़ जाए, चले बड़े प्यारे बच्चे बजे आप लोग। पॉपुलेशन पे और कैसे टाइप के आते, जरा पॉपुलेशन को भी देख लेते हैं एक बार। 66 क्वेश्चन लिखिए। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 5500। ये टाइप दूसरा है पॉपुलेशन का, पहला टाइप करवा चुका हूँ। किसी नगर की जनसंख्या 5500 है। इफ मेल आर इंक्रीज बाई 11%, पुरुषों की संख्या 11% बढ़ा दी जाए, फीमेल आर इंक्रीज बाई 20%, महिलाओं की संख्या 20% बढ़ा दी जाए, मेल आर इंक्रीज बाई 11% एंड फीमेल आर 20%, पुरुषों की संख्या 11% और महिलाओं की 20% बढ़ा दी जाए। देन आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन बिकम 6330। 1 साल के बाद जनसंख्या 6330 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6330 हो जाती है। देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एट प्रेजेंट, तो महिलाओं की संख्या क्या होगी? महिलाओं की संख्या क्या होगी भाई, वह बता दो जरा। देखो इतना टाइम लगाओगे, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है। महिलाओं की संख्या 16 बताएगा, मारो देख रहे ना, सारी की जनसंख्या 5500 है और महिलाएं तो 16 बता देगा, तो 5400 आदमी, 84 आदमी के साल नालेग कहाँ जाएंगे वो लोग? देखो दर इधर ध्यान से समझो, एक तो तरीका ये है, ये तो करना नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार, कि माना लेट ऐसे करते थे स्कूल में, मेल बराबर एम, मेल को क्या मान लिया, तो मेल तो एम थे और एम बढ़े 11%, तो 100 में 11 बढ़कर कितने हो गए, और टोटल जनसंख्या थी कितनी भाई शुरू में टोटल पॉपुलेशन थी 5500। अगर उसमें से आदमी एम है तो 5500 में से एम घटा देंगे तो क्या बचेगी, फीमेल बचेगी। अरे भाई ये मेल है
तो ये फीमेल बच जाएगी 5,500 में से आदमी घटा देंगे तो ये कितनी बड़ी 20%। और इन दोनों को जोड़कर जनसंख्या कितनी हो गई, ये आप एम की वैल्यू निकालना मेल, और फिर जो मेल आएंगे यहाँ से घटा देना फीमेल की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये तरीका है जो जिंदाबाद तरीका करना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, दूसरा तरीका समझो, एक साल के बाद जनसंख्या कितनी हो रही है भाई, एक साल के बाद पॉपुलेशन हो रही है कितनी 6,000। तो अब देखो कितनी बड़ी, तो हम कह सकते हैं एक साल के बाद 830 बड़ी, यही बड़ी भाई। शहर की जनसंख्या 5,500 थी पहले, लेकिन एक साल के अंदर जो मेल थे वो तो 11% बढ़ा दिए शहर ने, और फीमेल कितनी बढ़ा दी 20%। हम एक काम करते हैं, क्यों ना दोनों को बराबर बढ़ा ले। भाई हमारा मैथ है, हमारा मार्कर, हमारा बोर्ड, हमारी कॉपी, हमारा पेन अपनी मर्जी से बढ़ाएंगे हम। तो मैंने आदमी भी 11 कर लिया, महिलाओं को 11 इसके बराबर लिख लिया, बच्ची भी को अलग लिख लिया। अब मैं क्या करूँ, इस 11 का मतलब अगर टोटली परसेंटेज 11 बड़ी होती तो कितनी बड़ी होती, 5,500 का 11% कितनी जनसंख्या बड़ी होती, तो आप कहते गुरु जी 605 बड़ी होती, लेकिन बड़ी कितनी 830, और कितनी ज़्यादा बड़ी है 225 ज़्यादा बड़ी। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ कितने परसेंट ज़्यादा है, और इस 9% की वैल्यू बेटा कितनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, और अपने आप में कोई भी चीज़ कितने परसेंट होती है, तो महिला ही कितनी हो जाएगी 2,500। अगर आदमी पूछता तो 5,500 में से 2,500 घटा देते तो आदमी कितना आ जाता, तो आदमी तो पूछा ही नहीं हमसे, तो महिला ही पूछी थी। हाँ तो एट परसेंट ही निकाली बेटा, 5,500 में से निकाली बेटा हमने, तो इसमें और बढ़ा दो आप 11% फीमेल, 20% और बढ़ा के निकाल दो। अगर 2,500 अब है तो महिला कितनी बड़ी थी, तो 20% और निकाल दे, लड़ने की बात थोड़ी होती नालाई को, तो कितनी हो जाएगी, ठीक है यार कैसी बात कर रहे हैं। शुरू में कितनी थी 2,500 थी, आज बात समझ में, अब नालाई को वो तो इतनी छोटी छोटी बात पे यार दुनाली निकाल के ले आता घर से, दुनाली समझता है, दो गोली चलते भाई वाह। अब ज्यादा चीची करो सबको दो दो नाली में बांध दिया जाएगा। हाँ दो नाली की बात छोड़ो, नाले को पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। कहते हैं ना मुकम्मल हूँ मैं हर किसी व्यक्ति के अंदर, या हर किसी के अंदर, चाहे वो दानव हो चाहे वो इंसान, पढ़कर देखो मैं हूँ भारत का संविधान। तो पढ़ना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, देखो नगर की जनसंख्या दे रखी है 14,400, मिटाएं इसको भाई वाह, इतने अच्छे बच्चे 67 नंबर और हमने मिटा दिया 66। किसी शहर की जनसंख्या दे रखी है 14,400, और भैया एक साल बाद ये हो रही है कितनी वो आप बताओगे। एक साल के बाद इस शहर की जनसंख्या हो रखी है दोस्त 19,200, कितनी हो रही है 19,200। 25% मेल बढ़ते हैं, मेल इंक्रीज कितनी हो रही है, और फीमेल इंक्रीज हो रही है 40%। तब जाके एक साल के बाद ये कितने हो पाते हैं 19,200। तो शुरू में मेल कितने थे, शुरू में मेल कितने थे, ऐसे क्वेश्चन पूछोगे एग्ज़ाम तो मुझे लग रहा है एग्ज़ाम से लड़ जाओगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद तो आपको ऐसा लगता है अरे बच्चे वाले क्वेश्चन आ गए ना। शुरू शुरू में टफ लगता है।
है ना साइन। शाबाश, भी गलत आ रहा है। इंक्रीज पॉपुलेशन शुरू में, शुरू में, शुरू में, शुरू डस्टर मार दिया जाएगा फेंक के। फीमेल भी गलत है, वो भी गलत है, नहीं है। अच्छा दो गलत नहीं है, देखो भैया, देखो भैया राहुल गांधी इतने, देखो इधर, एक साल में कितनी बड़ी बढ़ गई, और शुरू में जनसंख्या थी कितनी, और मेल बढ़े 25, और फीमेल कितनी बढ़ी 25 प्लस 15। तो अगर हम इसको 25 ही बढ़ाते 14,400 का, तो आप समझते कितना आता भैया वो 3600। तो कितना ज़्यादा बचता 1200, और किसकी वैल्यू होती 15 की वैल्यू 1200, तो एक की वैल्यू 80 और 100 की 8000, तो फीमेल कितनी आई 8000, और मेल कितने हो जाएंगे 44,400 में से 8000 घटा दो, अब हम मैथ भी सीखेंगे। 15 की टेबल हम याद करके आएंगे, 50 तक तो हमें याद है, हो जाती गलती, किसी से भी गलती हो जाती है, किसी से भी गलती हो जाती है, बस कल को कोई ये ना बोले 2-4 महीने बाद कि आपसे गलती हो गई, हमारे बच्चों को पढ़ा दिया आपने, बाकी तो गलती सारी देखी जाएगी। ये सरकारी नौकरी का मतलब आपको 1 से 2 साल आपको एक जगह लग के बैठना पड़ेगा, तब जाके नंबर आएगा। आज के टाइम, पहले टाइम होता था 3 साल पहले, मैं बोलता था 6 महीने, अब 1 से 2 साल। कोरोना काल में बच्चों ने मेहनत करी, आपने सो सो के टाइम गुजारा है, 6 बजे हमको नींद आने लगती क्लास के टाइम पे, ठीक है। और मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, सुबह हमको लेट उठना 11 बजे 10 बजे, और एडमिट कार्ड आता है हम 12:30 बजे मैसेज करके बताते हैं, सर मेरा एडमिट कार्ड आ गया है, रात को चलो। मुझे लगता है कुछ जरूरी काम आ गया होगा, 12:30 बजे मैसेज है, चेक करना चाहिए बालक का। बिल्कुल बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, थोड़े दिन रुक जाओ, 2-3 साल मैं 12:30 बजे कॉल करूंगा, मैसेज नहीं, जब तू बताए नॉर्मल से रुक जा थोड़े दिन। अब चले आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर, 68 नंबर क्वेश्चन है माय डियर, क्वेश्चन देखिए अभी। किसी शहर की जनसंख्या 58,500 कितनी है, 58,500, और एक साल बाद है बेटा, ये तो आपको पता भी, क्वेश्चन कराने की मुझे लगता है जरूरत है। 65,610, 65,610, जिसमें पुरुष बढ़ते हैं 10% और महिलाएं बढ़ती हैं 16%, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहे कभी शहर की जनसंख्या, हम तो भगवान ना करे डिक्रीज तो करनी नहीं है, ठीक है। तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी मेल की, लेकिन ऐसा की बार 2011 की जनगणना में हुआ भी है, अपने एक जगह से जनसंख्या कम भी हुई है और -58% कम हुई हो, कल आप खोज के बताओगे कहाँ की। अपने भारत में एक जगह की जनसंख्या 58% कम हुई है, देख के बताना सोच समझ। अरुणाचल प्रदेश का जिक्र आ रहा था कि प्लान कर रहे थे, कैमरे में आ रहे हो तुम सब नालायक।
कौन से मेल की? काले वाले मेलों की बतानी भाई। अच्छा, शुरू में कितने थे? शुरू में पुरुष कितने थे ये बताना आपको। 37,500। बिल्कुल ऑप्शन में है दो, 37,500। तो क्लियर है, टाइप हो जाएगा, कराने की जरूरत तो नहीं। देखो यहाँ कितनी बड़ी भाई, कितनी आई थी बढ़ा के बताओ? 7110 बड़ी थी। और मैंने कहा भैया मेल है और फीमेल है, ये 10% बड़े थे और ये 10+6 16 थी। अगर 10 ही बढ़ाते तो 58,500 का 10% कितना होता लल्ला? तो 5,850 होता। और यहाँ से कितनी बड़ी है? 1260। किसके कारण बड़ी? 6% की वैल्यू 1260, तो एक की 10,000 और 100 की, तो भैया फीमेल तो 21,000 बढ़ गई। और आपसे मेल पूछे तो 58,500 में से 21,000 घटा दो, तो अब जनसंख्या बेस पे क्वेश्चन एक तो इस टाइप के है, एक मैं बाद में भी कराऊंगा लास्ट में जब हम वोटिंग के साथ करेंगे तो वहाँ कराऊंगा जनसंख्या का टाइप। ये एक टाइप ये था, एक वोटिंग के साथ करेंगे हम, ठीक है। हाँ, अब इसके आगे क्वेश्चन लिखिए 69 नंबर, नेक्स्ट टाइप, बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट, मज़ेदार क्वेश्चन, जक्कास क्वेश्चन बोलते हैं इसको, ठीक है। इन क्वेश्चनों के लिए बच्चे तरसते हैं, मेंस के बैच में पढ़ाए जाते हैं सिर्फ ये, लेकिन मैं तुम्हें प्री और मेंस सब एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ। लिखिए, ए बी सी डी परचेज ए प्लॉट फॉर ₹56,00,000। ए बी सी डी ने एक प्लॉट 56 लाख रुपए में खरीदा। ए बी सी डी ने एक प्लॉट 56 लाख रुपए में खरीदा। शेयर ऑफ बी प्लस सी प्लस डी इज, शेयर ऑफ बी प्लस सी प्लस डी इज 460% ऑफ ए। शेयर ऑफ बी प्लस सी प्लस डी इज 460% ऑफ बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है। बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है। ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.67% है। ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.67% है। सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% लिख लिया होगा। देन फाइंड द शेयर ऑफ डी, डी का हिस्सा ज्ञात करें। किसका हिस्सा ज्ञात करना आपको? डी का हिस्सा ज्ञात करें। भाई वाह, मज़ा आ गया ऐसे क्वेश्चन करा के, बेसिक बेसिक क्वेश्चन कराने में मज़ा आता है, बेसिक क्वेश्चन है। बता दो भाई, है ना बेसिक क्वेश्चन? बताओ शाबाश। छोटे छोटे क्वेश्चनों को फिर आप लोग ड्रोगे, फिर बड़े क्वेश्चनों का क्या होगा? अभी तो बड़े आएंगे 80 के बाद। हिस्सा पूछा भाई मैंने, परसेंटेज तो पूछी नहीं है।
बाकी हमारा साहिल है, इंटेलिजेंट है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी बता देगा तू। यार सीधे सीधे से ये भी अगर पूछना बताना पड़ेगा तो नाले मार खानी पड़ सकती है तेरे को, इसका मतलब ये नहीं होता है। हाँ तो इसका मतलब 0.67 का मतलब 33 का एक होता है, तो उसका 66 के आसपास है। अब इसको इससे गुणा कर, ये कर 78, 1100/3, 1100/3 का मतलब 11/3। तो भाई वाह क्या यार आनंद, हम तो क्वेश्चन देने के बाद तेरे को क्वेश्चन करने में मैं खुद आनंद में हो जाता हूँ। शर्मा जी बताएं सर। ओके सर, सत्येंद्र गुस्सा नहीं बालक, गलती है कार्ड में तैयार ले गुस्सा। देखो हटाओ इतना घटिया क्वेश्चन को, टाइम लगा रहे हो। यहाँ फ्रैक्शन कितनी आएगी, 460/100, 40/10 का मतलब 23/5, और इसका तो पता ही है आपको 2/5। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा कितना है 23 और ए का हिस्सा 5, क्योंकि हमने फ्रैक्शन निकाल ली। और यहाँ टोटल दोनों का इस चारों का हिस्सा कितना आ गया, यहाँ पे टोटल चारों है ना ए बी सी डी, तो कितना आ गया 28। और यहाँ की बात करूँ तो ये 11 है और ये 3 है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये दोनों 11 हैं और ये दोनों भाई छोड़, टोटल कितना है बच्चों, और यहाँ की बात करूँ तो ये 2 है और ये, तो टोटल कितना है। अब देखो वही चार आदमी यहाँ है, वही चार आदमी है, वही चार आदमी है, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, 28 बराबर कर दें, तो इसको 2 से गुणा और इसको क्या बराबर हो जाएगा, तो इसको 2 से करेंगे तो 11 गुणा 2 22, इसको 2 से करेंगे 2 गुणा 3 6, इसको 4 से करेंगे 4 गुणा 5 20, और इसको 4 से करेंगे 4 गुणा 2 8, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28। और 28 की वैल्यू के अंदर हम ए बी सी डी का रेशियो निकाल लेते हैं हम पहले, टोटल 28 ही आएगा। देखो ए कितना 5, बी कितना 3 गुना 2, सी कितना 2 गुना 4, 11 2 19, और ये कितना बचा 19 और 9 28। तो 28 की वैल्यू 56 लाख, किसका हिस्सा पूछा डी का, तो एक की वैल्यू 2 लाख, और तो डी की वैल्यू 9 गुना 2 18 लाख आ गए। कितना घटिया क्वेश्चन, टाइम लगा रहे हो, खाम खाई के कैलकुलेशन किए जा रहे हो, पेज भर दिया पूरा एक। विकास जी चल आगे बढ़ते हैं। काजल आ रहा है बेटा, बिल्कुल डाउन, नेक्स्ट लिखिए। सात और जीरो नंबर का क्वेश्चन आएगा, हिंदी में बोलते हैं उसको 70 और उर्दू में 70। सत्तर नंबर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन आया है पिछली बार ही आया है इसलिए मैं करा रहा हूं, नहीं तो मैं कराता नहीं अगर ये पिछले साल मेंस में ना आता तो। देखिए मैंने नाम बदल दिया है, एक व्यक्ति है
मान लो मेरा नाम लिख दिया, चलो गौरव एड्स 12% ऑफ हिज सैलरी इन पीपीएफ। गौरव अपने वेतन का 12% पीपीएफ में जोड़ता है। गौरव अपने वेतन का 12% पीपीएफ में जोड़ता है। 3/8 ऑफ रिमेनिंग सैलरी इज स्पेंट ऑन क्लॉथ। शेष वेतन का 3/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। शेष वेतन का 3/8 भाग कपड़ों पर खर्च करता है। नालायक है, कपड़ों पर खर्च कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन पीपी एंड क्लॉथ एक्सपेंसेस, डिफरेंस बिटवीन पीपीएफ एंड क्लॉथ एक्सपेंसेस इज ₹10,500। पीपीएफ और कपड़ों पर खर्च के बीच का अंतर, पीपीएफ और कपड़ों पर खर्च के बीच का अंतर ₹10,500 है। अगर आपको लगे लेवल ऊपर हो रहा है तो बता देना, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा, मेंस का नहीं कराऊंगा फिर मैं। पीपीएफ और कपड़ों के पर खर्च के बीच का अंतर 10,500 है। रिमेनिंग अमाउंट इज स्पेंड ऑन हाउसेज रेंट। शेष राशि पर किराया और अन्य व्यय में खर्च करता है। हाउसेज रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस, शेष राशि में घर का किराया और अन्य में खर्च करता है। इफ हाउस रेंट एक्सपेंसेस इज ₹1,500 लेस देन एक्सपेंसेस, लेस देन एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस, यदि घर का किराया अन्य खर्चों से ₹1,500 कम है, घर का किराया अन्य खर्चों से ₹1,500 कम है, तो कुछ भी पूछ रहे चारों में से। लेकिन यहाँ पूछा गया इसने, जो एग्जाम ने पूछा था, व्हाट इज द हाउसेज रेंट एक्सपेंसेस, तो उसने घर के किराए पर कितने खर्च किए, तो उसने घर के किराए पर कितने खर्च किए। भाई वाह, बता दो भाई वाह, बताओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, भाई वाह, मान गए इस क्वेश्चन। कल आपकी क्लास होगी पॉलिटिकल की और एडवांस की। वो सैलरी भी पूछ सकता है, उसकी सैलरी कितनी थी, 50,000। भाई वाह, लेकिन वो नहीं पूछ रहा ना सैलरी, वो तो नहीं पूछ रहा है, वही लास्ट में फंस गए। ये तो निकाल दोगे आंसर आसान से। भाई भाई, इतना आनंद नहीं आ रहा मुझे, इतना आनंद आनंद को काटने में आ रहा है। 36,000। भाई वाह, गलत आ रहा है। 36,000 रुपये मकान किराया देगा नालायक। 3600 रुपये। अच्छा मैं कराता हूँ, इधर ध्यान दो।
क्या क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, आप सीधा जरा पढ़ पढ़ बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? गौरव अपने वेतन का 12% पीपीएफ में जोड़। देखो, एक व्यक्ति वो अपने 12% अपने वेतन का कहाँ खर्च करता है बेटा? पीपीएफ में करता है, प्रोविडेंट फंड में समा खर्च करता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्त? देखो, शेष वेतन जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका कितना खर्च करता है? 3/8 क्लोथ पे खर्च करता है, कपड़ों पे एंड अदर एक्सपेंसेस पे, दोनों है बेटा ये, क्लोथ और ओनली कपड़े हैं। चले इंग्लिश में पढ़ो एक बार, 3/8 क्लोथ पे। नेक्स्ट उसके बाद डिफरेंस बिटवीन पीपीएफ एंड क्लोथ एक्सपेंसेस 10,000। ओके, क्लोथ्स और पीपीएफ के बीच का अंतर, ये अंतर है, हो सकता है पहले पीपीएफ हो सकता है पहले क्लोथ, इनका अंतर दे रखा है कितना बेटा? 10,500। आगे जो रिमेनिंग है वो कहाँ खर्च करता है? हाउसेज रेंट पे और अदर एक्सपेंसेस पे, यही खर्च करता है। आगे हाउसेज रेंट लैंड लेस देन किससे? कितना? 1500 रुपए कम है हाउस वाले, कम है किससे? अदर से। पूछा क्या है? हाउस पे कितना खर्च किया? अब इसको समझेंगे थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ वैसे समझ के चलेंगे, क्वेश्चन चुटकियों मुड़ा देंगे, एक्स वैक्स नहीं मानना है। देखो, मान लो गौरव की सैलरी 100 रुपए थी, या परसेंटेज मान लेना 100 अपने आप, वो आपकी इच्छा है परसेंटेज। पीपीएफ पे उसने 12% कितना खर्च कर दिया दोस्त? 12 रुपए खर्च किया। तो दोस्त उसकी बची कितनी है? 88। और इस 88 का मतलब कितना? 3/8 का मतलब 33। अब ये पीपीएफ है और ये क्लोथ्स पे, तो आप देखोगे यहां से एक पॉइंट तो हमें मिल रहा है कि दोनों का अंतर कितना आ रहा है बेटा? 33 और 22 का अंतर 21, और 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 500 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 21 × 105 500। अगर वो टोटल सैलरी पूछता तो 50,000 आती, लेकिन सैलरी तो पूछी नहीं उसने। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, मैं इस बात को यहाँ से मिटा देता हूँ कि हमने यहाँ तक की बात कर ली है, ठीक है। आगे क्या कहना चाह रहे हैं, जितना भी रिमेनिंग है और हाउसेज और अदर एक्सपेंसेस का अंतर कितना है? 500। यानी अदर एक्सपेंसेस से हाउस वाला कितना कम है? हाउस कम है 1500, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस से हाउस कितना कम दे रखा बेटा क्वेश्चन पेपर में? 1500 कम दे रखा है। किससे? हाउस वाला। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है और बचा कितना? अगर हम 33 भी घटा दें 88 में से, तो कितना बचा? 55 यूनिट बच गया, नहीं बच गया। अगर हम 100 में से 12 घटा रहे तो कितना बचा बेटा? 88। और 33 घटा दें कितना बचा? और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? और हमें 1500 का मतलब कितनी यूनिट लिख दूं मैं यहाँ पे? 3 यूनिट। तो 55 को मैंने ऐसे तोड़ना है कि अदर वाली और कौन सी वाली? एक्सपेंसेस। तो पहले तो मैं 3 अलग घटा दूं, कितना बचा? 52। 52 का आधा 26, तो 26 ही मैंने यहाँ दे दिया, 26 + 3 यहाँ दे दिया 29। और यहाँ कितना आया? 26। तो आप समझोगे एक की वैल्यू 500 है, तो किसकी पूछी गई है? हाउस पे कितना? 26। 26 × 500 13,000 रुपये आ जाए। फिर से समझ लो क्वेश्चन मिटा के, एक बार फिर बता रहा हूँ, जेन्युइन लॉजिक लगाना है। अगर आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे तो बेटा क्वेश्चन में फंस जाओगे, ठीक है। समझो ध्यान से भाई, हमने यूनिट मानी कितनी बेटा? 100। इसका 12% पीपीएफ पे कितना होता है? 12 रुपये होता है। तो बच कितना गया भाई उसके पास? इसका 3/8 कपड़ों पर 33 रुपये उसने कपड़ों पे खर्च कर दिया, 88 में से 33 गया तो कितना बचा? इस 55 को दो जगह खर्च करना है, एक अदर एक्सपेंसेस वही और दूसरा हाउस रेंट पे। और मैंने बताया भाई यहाँ से अगर दोनों का अंतर कितने यूनिट आई? 21 यूनिट। 21 की वैल्यू दे रखी कितनी भाई? तो एक की वैल्यू 500, एक की वैल्यू 500 है, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितने रुपए है?
एक यूनिट की वैल्यू 500 तो 1500 का मैं लिख दूँ 3 यूनिट, और इसके पास ज़्यादा है तो 3 यूनिट तो पहले मैंने इसकी ज़्यादा वो दे दी, तो 55 में से 3 गया 52, 52 को मैं 26 इधर दे दूँ और 26 इधर दे दूँ, तो इसके पास कितनी यूनिट हो गई, एक यूनिट की वैल्यू 500 और हाउस रेंट की यूनिट कितनी है, तो 26 की वैल्यू पूछी गई, तो 13,000 इस सवाल का। बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट लिखिए। मिटा दें, इकहत्तर नंबर क्वेश्चन लिखिए। 70 और 1 71, 7 और 1 71, मिटा देते हैं इसको। समझ में आ रहे हैं? देखो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक और लिखे ऐसा ही क्वेश्चन, वो आपको करना है अभी। लिखिए, लालीज एक्सपेंसेस आउट ऑफ हर टोटल एक्सपेंडिचर इन ए ट्रिप, लालीज एक्सपेंसेस आउट ऑफ हर टोटल एक्सपेंडिचर इन ए ट्रिप इज, ट्रिप इज इन बिटवीन ट्रेवल एक्सपेंसेस, ट्रिप इज इन बिटवीन ट्रेवल एक्सपेंसेस, लाली एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस आउट ऑफ अ टोटल एक्सपेंडिचर इन ए ट्रिप इज इन बिटवीन ट्रेवल एक्सपेंसेस, कोमा लगा के लिखना है, अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, बोलो नहीं, अकोमोडेशन एक्सपेंसेस एंड शॉपिंग एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 5:4:3। एक यात्रा के कुल खर्च में से लाली का खर्च यात्रा खर्च कोमा आवास खर्च, यात्रा खर्च कोमा आवास खर्च और खरीदारी खर्च 5:4:3 है, 5:4:3 के अनुपात में। आउट ऑफ द ट्रेवल एक्सपेंसेस सी स्पेंड 25% ऑन बस टिकट, यात्रा खर्च में से उसने 25% बस टिकट पर, यात्रा खर्च में से उसने 25% बस टिकट पर एंड रिमेनिंग ट्रेवल एक्सपेंसेस आर सेव्ड, ट ऑन एयर टिकेट्स, ऐसे लिखना, क्या लिखा आपने, आउट ऑफ द ट्रेवल एक्सपेंसिस सी स्पेंड 25% बस टिकेट कोमा लगा के 60% ऑफ एयर टिकेट, ऐसे लिखना 60% ऑफ एयर टिकेट, 25% बस टिकट पर, हिंदी में कहाँ से लिखा, बस टिकट पर, और 60% हवाई टिकट पर खर्च किए। उसके बाद लिखेंगे कोमा लगा के, रिमेनिंग ट्रेवल एक्सपेंसिस आर सेव्ड, और शेष यात्रा व्यय उसने बचा लिया, उसने बचा लिया यात्रा खर्च जो भी था। ऑल द अकोमोडेशन एक्सपेंसेस आर स्पेंड ऑन होटल्स और रुकने का सारा खर्च होटल पे करती है, रुकने का सारा खर्च होटल पर करती है,
एंड आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस, आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑन शॉपिंग एक्सपेंसेस, आउट ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑन शॉपिंग एक्सपेंसेस 50% स्पेंड ऑन टैक्स फ्री प्रोडक्ट, 50% स्पेंड ऑन टैक्स फ्री प्रोडक्ट कोमा लगा के, 47 2/9% स्पेंड ऑन फुटपाथ शॉपिंग, 47 2/9% ऑन फुटपाथ शॉपिंग एंड रिमेनिंग सेव्ड, और खरीदारी के कुल खर्चों में से, खरीदारी के कुल खर्चों में से 50% कर मुक्त उत्पादों पर खर्च करती है, खरीदारी के कुल खर्चों में से 50% कर मुक्त उत्पादों पर खर्च करती है, और 47 2/9% फुटपाथ से सामान खरीदने पर खर्च करती है, 47 2/9% फुटपाथ से सामान खरीदने पर खर्च करती है। और शेष बचा लेती है। इफ द टोटल अमाउंट सेव्ड इज रुपीज 17,500, शेष बची हुई राशि 17,500 है, शेष बची हुई राशि 17,500 है, तो बताइए व्हाट इज टोटल अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, रुकने पर किए गए व्यय की राशि कितनी है, रुकने पर किए गए व्यय की राशि कितनी है। माँ घटिया क्वेश्चन, 2 सेकंड का क्वेश्चन, और ऑप्शन दे रखे 95,000 रुपये रुकने पर खर्च किए उसने, पहला ऑप्शन 95,000 रुपये लिख लो ऑप्शन बी, दूसरा 84,000 रुपये, रुकने पर कितने खर्च किए, हाँ ऑप्शन लिख ले 95,000, 84,000, 90,000, 90,000, 75,000, 75,000 रुपये। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, आप लोग करके बताएंगे, लगाओ दिमाग क्योंकि अगला टाइप शुरू है यहाँ से, फिर हम करा देंगे इसको।